अवर लेसन नंबर वन माय नेबरहुड, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया न्यू वर्ड्स। ओके, आपको अपनी न्यू बुक में ईबीएस सेमेस्टर टू की न्यू बुक में फोर लाइन बुक जो है उसमें आपको न्यू वर्ड्स लिखने हैं। ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो न्यू पेज पे स्टूडेंट आपको ये टाइटल लिखना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट लाइन पे। ओके, और एक भी लाइन यहाँ पे आपको लीव नहीं करनी है। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, नेम एनी, एन एनी नेम, ए एन वाई एनी, टी डब्ल्यू ओ टू, पी एल ए सी एस एस इज, आई एम इन, वाई ओ यू आर योर, एन ई आई जी एच बी ओ यू आर नेबरहुड एच डबल ओ डी नेबरहुड फुल स्टॉप। ओके, सो व्हाट इज आवर क्वेश्चन स्टूडेंट, नेम एनी टू प्लेसेस इन योर नेबरहुड। ओके, तो आपके यहाँ पे क्या लिखना है आपको, नेबरहुड, नेबरहुड आपको बताई है यानी कि हमारे घर के आसपास का एरिया वो है नेबरहुड। तो ये नेम सिर्फ हमें यहाँ पे नेम ही लिखने हैं नेबरहुड के प्लेसेस के। तो नेबरहुड के प्लेसेस कौन कौन से हैं, स्कूल, बैंक, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, गार्डन, पोस्ट ऑफिस, फायर स्टेशन। ओके, दीज आर प्लेसेस ऑफ नेबरहुड, बहुत सारे हैं नेबरहुड के प्लेसेस, पर हम लोग यहाँ पे सिर्फ टू ही लिखने वाले हैं। ओके, सो राइट डाउन आंसर, न्यू लाइन पे लिखोगे आंसर नंबर वन करके एस सी एच डबल ओ एंड स्कूल। अभी नेक्स्ट लाइन पे नंबर टू बी ए एन के बैंक स्कूल एंड बैंक, नेम एनी टू प्लेसेस इन योर नेबरहुड का आंसर क्या है, स्कूल एंड बैंक। आप लोग कोई भी नेबरहुड के प्लेसेस लिख सकते हो, पर अभी आप अपनी बुक में स्कूल और बैंक ही लिखोगे। ओके, एग्जाम में कोई भी आप लिखोगे तो चलेगा, राइट ही होगा कोई भी प्लेसेस नेबरहुड। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, अभी न्यू लाइन से क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करेंगे। डब्ल्यू एच ई आर ई वैफ डी ओ टू सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रन वेल टू चिल्ड्रन एल ई ए आर एन लर्न टू आर ई एन ई रीड एंड डब्ल्यू आर आई टी ई राइट क्वेश्चन मार्क। सो व्हाट इज आवर क्वेश्चन स्टूडेंट, वेर डू चिल्ड्रन लर्न टू रीड एंड राइट, वेर डू चिल्ड्रन लर्न टू रीड एंड राइट, वेर यानी यहाँ पे वेर है क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन वर्ड आपको बताइए, डब्ल्यू एच वाले जो वर्ड है वो क्वेश्चन वर्ड जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आते हैं। तो वेर, वेर मतलब आपको प्लेस पूछा गया है। ओके, जहां पे भी वेर होता है तो आपको आंसर में प्लेस लिखना होता है कि कौन सी प्लेस है ऐसा पूछा गया है वेर का मतलब। सो वेर टू चिल्ड्रन लर्न टू रीड एंड राइट। ओके, चिल्ड्रन बच्चे कहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं चिल्ड्रंस, यस स्कूल में, आप लोग भी स्कूल आते थे ना लर्न करने। ओके, रीड यानी कि पढ़ना, राइट यानी कि लिखना, पढ़ाई लिखाई करने, रीडिंग सीखने, राइटिंग सीखने। ओके, लर्न करने स्टूडेंट कहाँ पे आते हैं, स्कूल में। सो राइट डाउन आंसर, न्यू लाइन पे आप आंसर लिखोगे, राइट डाउन सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रन एल ई ए आर एन लर्न चिल्ड्रन लर्न टू आर ई एन ई रीड एंड डब्ल्यू आर आई ई राइट चिल्ड्रन लर्न टू रीड एंड राइट। अभी क्या आएगा, इन दी स्कूल, राइट डाउन आई एन ई पी एच ई तो एस सी एच डबल ओ एल स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल स्कूल। तो चिल्ड्रन कहाँ पे आते हैं,
पढ़ने स्कूल में. ओके सो आवर आंसर इज चिल्ड्रन लर्न टू रीड एंड राइट इन द स्कूल. चिल्ड्रन लर्न टू रीड एंड राइट इन द स्कूल. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री. न्यू लाइन पे क्वेश्चन नंबर थ्री. Name any two TWO2 ROMS rooms. Name any two rooms in your school. SCHOOL school. Full stop. So question is name any two rooms in your school. Okay, आपके school के कोई भी two room के name. स्कूल में कौन कौन से रूम होते हैं? क्लासरूम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ओके प्लेग्राउंड होते हैं, फिर आर्ट एंड क्राफ्ट रूम होते हैं. तो स्कूल में बहुत सारे रूम होते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस होते हैं. तो जितने भी रूम्स हैं उनमें से हमें सिर्फ टू रूम्स के नेम यहाँ पे लिख रहे हैं. सो राइट डाउन आंसर. नंबर वन करके न्यू लाइन पे आंसर नंबर वन करके OFFICE office, then LIBRARY library, office and library. स्कूल में ऑफिस होती है सर की, प्रिंसिपल सर की. फिर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी यानी कि जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती है, लाइब्रेरी. क्लासरूम भी होते हैं, पर हमें यहाँ पे टू ही नेम लिख रहे हैं. नेम यानी टू रूम्स. ओके टू ही लिख रहे हैं, ऑफिस एंड लाइब्रेरी. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर. स्टूडेंट आप लोग कंटिन्यू करेंगे. ओके नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे लिखोगे आप क्वेश्चन नंबर फोर. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फाइव इज
F R O M from W H E R D. Where do we buy D U Y buy S T A M P S stamps? S T A M P S stamps and envelopes. E N V E L O P E S envelopes. Question number 5 is from where do we buy stamps and envelopes? Okay, from where? Okay, कहाँ से हम लोग खरीद सकते हैं stamps और envelopes को? कहाँ से खरीद सकते हैं हम लोग students stamp and envelopes की जरूरत हमें कहाँ पे कौन सी चीज में पड़ती है? अगर हमें कोई भी लेटर पोस्ट करना हो, okay, पोस्ट करने के लिए स्टैम्प्स और एनवेलप्स हमें चाहिए, तो ये हमें चीजें कहाँ से मिलेगी? पोस्ट ऑफिस में से. तो राइट डाउन आंसर. आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज वी कैन सी ए एन कैन बी यू वाई बाय. ओके, यहाँ पे बी यू वाई बाय, बाय यानी कि खरीदना परचेस करना कोई भी चीज. वी कैन बाय stamps, S T A M P S stamps and envelopes, E N V E L O P E S envelopes. We can buy stamps and envelopes from kya aega? A post office. P O S T O F F I C E. Okay, from a post office. So student, our answer is we can buy stamps and envelopes from a post office. Okay, post office में से हम लोग ये खरीद सकते हैं. Question number 4 क्या था? Where do people go when they are sick or injured? Answer is people go to the hospital when they are sick or injured. Question number 5, from where do we buy stamps and envelopes? So answer is we can buy stamps and envelopes from a post office. So student, here we have completed. Answer the following question. जो आपको अपनी EBS CW में semester 2 की 4 line book जो है EBS की उसमें complete करने हैं. Okay? पहले new word आपको complete करने हैं, उसके बाद answer the following question. Okay? So here we have completed our lesson number 1, my neighborhood in our EBS CW. So write with neat and clean handwriting and also learn this by heart. Okay? Thank you.